क्या आपने कभी ऐसे स्नेक को देखा है जो हवा में उड़ता हो? लेकिन इस स्नेक के तो पंख होते ही नहीं, फिर भी ये इस तरह से हवा में कैसे उड़ जाता है? ये जानने के बाद आप जरूर हैरान हो जाएंगे। और गाइस, आप लोग में से ज्यादातर ब्लैक स्नेक, ब्राउन स्नेक या ग्रे कलर के स्नेक को ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी रेड यानी लाल कलर के स्नेक को देखा है जो कि दुनिया के सबसे पुराने स्नेक में से एक है? और गाइस, क्या आपने किसी ऐसे स्नेक को देखा है जो अंधे होते हैं जिनके बावजूद भी अपना शिकार आसानी से कर लेते हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया के ऐसे 10 स्नेक के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ना तो आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही कभी इन्हें किसी वीडियो में देखा होगा। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज का हमारा वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 10 पर है पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। गाइस, यही एकमात्र स्नेक है जो हवा में उड़ सकता है, लेकिन हवा में ये तभी उड़ता है जब इसे किसी रेप्टाइल्स या फिर किसी छोटे जीव का शिकार करना होता है। और गाइस, फ्लाइंग स्नेक दुनिया भर में इतनी ज्यादा रेयर है, ये दुनिया के सिर्फ 4 जगहों में ही पाई जाती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। ये स्नेक देखने में तो काफी खतरनाक लगते ही हैं, साथ ही साथ ये स्नेक बहुत ही ज्यादा जहरीले भी होते हैं। अब आप लोगों के माइंड में यही बात आ रहा होगा कि आखिर ये स्नेक हवा में बिना पंख के कैसे उड़ लेता है, क्योंकि आम पक्षियों की तरह ना तो इनके पंख होते हैं और ना ही चौड़ी पूंछ होती है। तो सवाल आखिर यह है कि ये हवा में उड़ कैसे लेता है? तो गाइस, हवा में इस स्नेक को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ अपनी जंप से ही काफी लंबी दूरी तय कर सकता है। और जंप लगाने के लिए ये स्नेक किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाता है और वहां से आराम से बैठकर अपने किसी शिकार का तलाश करते रहता है। जैसे ही उन्हें कोई शिकार मिल जाता है, वैसे ही ये स्नेक तेज छलांग लगा देता है, फिर हवा में उड़ता हुआ ये स्नेक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये स्नेक अपने स्ट्रांग मसल के चलते अपने बॉडी को इस हद तक हवा में फ्लैट कर लेता है जिससे कि ये हवा में आसानी से ज्यादा दूरी तय कर सके। गाइस, अब अगर बात करें हम इसकी लंबाई की तो यह 2 फीट से लेकर 4 फीट तक हो सकती है। नंबर 9 पर है पैराडाइज टेल्ड वेपर। गाइस, ये स्नेक दुनिया के सबसे रेयर स्नेक में से एक है। ये स्नेक देखने में भले ही आपको छोटा लग सकता है, लेकिन आप इस स्नेक से ज्यादा जहरीले एवं चालाक स्नेक आज तक नहीं देखा होगा। इस स्नेक की पूंछ पर एक मकड़ी बनी होती है जिनका फायदा ये स्नेक अपने शिकार करने में बहुत ही अच्छी तरह से करता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां ये स्नेक शांति से बैठा हुआ है और कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा। लेकिन जब ये स्नेक अपनी पूंछ को कुछ इस तरह से हिलाता है जैसे कि उनके ऊपर कोई मकड़ी रेंग रही हो, तो उनके आसपास की पक्षियां शिकार करने के लिए जैसे ही जाते हैं वैसे ही वे उन पर अटैक कर देता है। इस प्रकार खुद ही चिड़िया उसका शिकार हो जाती हैं। इस स्नेक को 1968 में खोजा गया। इसका साइज छोटा होने के कारण ये जमीन पर भी बहुत तेजी से रेंगता है। नंबर 8 पर है व्हाइट कोबरा। गाइस, ये स्नेक बहुत ही पुराने सांपों में से एक हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं और मन करता है इनके साथ खेलने का, उसे पकड़ने का। और गाइस, आप इसे आसानी से पकड़ भी सकते हैं क्योंकि इस स्नेक के अंदर जहर बहुत ही कम यानी ना के बराबर ही होता है, लेकिन ये स्नेक अपनी बचाव के लिए काटता जरूर है। गाइस, अगर आप इसे घर में पालना चाहते हैं तो बता दें कि एक बार में 20,000 से 30,000 स्नेक पैदा कर सकते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। नंबर 7 पर है डबल हेडेड स्नेक। गाइस, आज तक आप लोग केवल एक मुंह वाला स्नेक देखे होंगे, लेकिन दुनिया में ऐसे भी स्नेक हैं जिनकी 2 या कभी-कभी 5 मुंह वाले स्नेक भी मिल जाते हैं। लेकिन डबल हेडेड स्नेक ऐसे स्नेक है जिनकी 2 मुंह होते हैं और ये अपने दोनों मुंह से खाना भी खाते हैं और शिकार भी करते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये स्नेक हमेशा 2 मुंह के साथ ही पैदा होते हैं, किसी रेयर कंडीशन की वजह से ऐसा होता है कि कोई स्नेक 2 मुंह के साथ पैदा होते हैं। लेकिन बता दें कि ऐसे स्नेक जिनके 2 मुंह होते हैं वे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। नंबर 6 पर है ग्रीन वाइन स्नेक। गाइस, ये स्नेक ऐसे स्नेक होता है जो कि पूरी तरह से ग्रीन कलर का होता है और यदि ये किसी पेड़ की पत्ते में छिप जाए तो इसे ढूंढ पाना बहुत ही कठिन होगा।
और ये ग्रीन स्नेक इतना ज़्यादा रेयर है कि ये अमेरिका के कुछ ही जगहों में ही पाया जाता है, जिनकी लंबाई 79 इंच तक हो सकती है और इनकी पूरी शरीर ग्रीन और हेड की तरफ योलोइस्ट होता है। और इस स्नेक की गोल्डन आइस को देखकर तो आप इनमें खो ही जाएंगे। नंबर 5 पर है मेलागासी लिप नोज्ड स्नेक। गाइस, ये स्नेक को देखकर आप सोच में ही पड़ जाएंगे कि आखिर इस तरह के भी स्नेक होते हैं। इस स्नेक की नाक उनके मुंह से भी बड़ी होती है और नॉर्मली जब हम इस स्नेक को देखेंगे तो लगेगा कि इस स्नेक का मुंह बहुत ही ज्यादा लंबा है, लेकिन एक्चुअल में उनकी नाक होती है और उनकी मुंह उनके नीचे होती है। यह स्नेक अपने यूनिक शेप की वजह से दुनिया में सबसे रेयर स्नेक में से एक है। नंबर 4 पर है कैलिफोर्निया रेड स्लाइडर गार्टर स्नेक। दोस्तों, आप इस रंग बिरंगे स्नेक को तो इस वीडियो में देख ही रहे हैं। ये स्नेक कॉमन गार्डन का सब स्पेस है, जिसका रेड कलर का हेड होता है, ब्लैक और ब्लू कलर का स्नेक की पूरी बॉडी पर होता है। ये बहुत ही कम जगहों में ही पाई जाती है। ज्यादातर इस स्नेक को झाड़ियों के किनारे व पुराने बसे घरों में ही देखा गया है। नंबर 3 पर है हैरीबूस वेपर। गाइस, इस स्नेक की पूरी बॉडी कांटेनुमा शेप में होती है। ये स्नेक खतरनाक तो होते ही हैं, लेकिन इनकी बॉडी देखने के बाद ये स्नेक और भी खतरनाक लगने लगते हैं। ये स्नेक इतने ज़्यादा रेयर हैं कि इसे सिर्फ अफ्रीका के घने जंगलों में ही देखा जा सकता है। गाइस, आपसे पहले क्या आपने कभी ऐसे स्नेक को देखा था जिनके शरीर पर कांटे होते हैं? अगर आपने पहले कभी देखा है तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 2 पर है स्ट्रिप्ड ब्लाइंड स्नेक। गाइस, ये स्नेक दुनिया के एक ऐसे स्नेक हैं जो कि पूरी तरह से ब्लाइंड यानी अंधे होते हैं। इस स्नेक को अपने आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह फिर भी अपने शिकार को पकड़ना बहुत ही अच्छे तरह से जानता है। अगर इस स्नेक को चींटी या रेप्टाइल्स के अंडे मिल जाते हैं तो फिर उन अंडों को बहुत तेजी से खाना शुरू कर देता है। और इस स्नेक का मुंह भी काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन यह रेंगने में बहुत तेज होते हैं। गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 की, रेड कोबरा। ये स्नेक दुनिया के वन ऑफ द बेयरेस्ट स्नेक में से एक है। लाखों स्नेक जन्म लेने के बाद ये रेड कोबरा जन्म लेता है। इस स्नेक की लंबाई 0.7 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक हो सकती है। अगर इस स्नेक को सभी अलग अलग कलर के स्नेक के साथ रख दिया जाए तो या तो ये रेड स्नेक अलग से दिखने लगते हैं। गाइस, इस स्नेक को व्हाइट स्नेक की तरह मत समझ लेना, क्योंकि ये स्नेक काट लेगा तो इंसान की आधे घंटे में ही मौत हो जाएगी। वैसे गाइस, इन सभी वेयरिस स्नेक में से पहले कभी स्नेक को देखा है और क्या कभी आपको कोई स्नेक काटा है? और अगर काटा तो क्या किया, मुझे भी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।